गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज मैं सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और यह है सुबह का टाइम। मैं जा रही हूँ अपनी फर्स्ट वैक्सीन लगाने के लिए। मैंने अभी तक अपनी वैक्सीन नहीं लगाई है, एक भी नहीं, तो फर्स्ट लगेगी मुझे। और ये मैं रेडी हो गई हूँ, ध्यानी जी नीचे जा चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जब मुझे छोटे में बुखार के कारण ना इंजेक्शन लगता था, पहले तो इंजेक्शन ही लगता था, ये लिक्विड दवाइयाँ तो कम थी और गाँव में तो और भी नहीं थी, तो मैं ना बहुत ज़्यादा तांडव करती थी जब इंजेक्शन लगता था। तो चलिए मैं यहाँ पे लाइट बंद कर देती हूँ और ध्यान जी जा चुके हैं नीचे। मैंने अपना मास्क ले लिया है और ये पर्स ले लिया है, फोन मेरे हाथ में है, दोनों बच्चे क्लास ले रहे हैं। मैं पहन लेती हूँ सैंडल। आ जाओ दीदी, माँ बेटे बंद कर दो, आ जाओ। तो चलिए फोटो में, ये भी हो सकता है देखा, तो गाइस हम पहुंच चुके हैं टीका केंद्र में और मेट्रो स्टेशन के नीचे लग रहा है टीका। सॉरी मैं बता नहीं सकती कौन सा मेट्रो स्टेशन है। तो चलिए अभी ध्यानी जी पैसे दे रहे हैं अंकल को, धूप अच्छी आ रखी है आज। चलो दवाई दोगे? तो गाइस मैं आ चुकी हूँ और अभी मैं उधर जाती हूँ, यहाँ पे नंबर बोलो। चलो मैं पहुँच गई हूँ, चलो चलिए ध्यानी जी चले जाएंगे ऑफिस। चलो बाय बाय। हाँ जी लग गई वैक्सीन। चलिए कान्हा कहाँ है? मम्मा को वैक्सीन लग गई। तो गाइस बच्चे पूछ रहे हैं कि कहाँ पे लगी आपको वैक्सीन? दर्द हो रहा है किस हाथ में लगी? दर्द तो नहीं हो, लेफ्ट हैंड पे। नहीं दर्द अभी तो नहीं हो रहा है, पता चलेगा फटाफट से। मैं घर का सारा काम जितना भी बचा है वो कर लेती हूँ, नहीं तो फिर दर्द, नहीं तो फिर दर्द हो जाएगा या बुखार भी आ सकता है। और काम करने वाली मैं ही हूँ, बुरा के कोई नहीं काम करने वाला। बाबू तो कुछ करती ही नहीं है सिर्फ साफ करने के अलावा। अरे कान्हा बस बच्चों की भी वैक्सीन आ जाए तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। और हमें जाना है अपने गांव उत्तराखंड, जाना है हमें उत्तराखंड। और जब मैं ना जब हम उदयपुर गए थे तो कैसे कैसे करके जुगाड़ करके मैं एयरपोर्ट में मुझे घुसने दिया और फ्लाइट और जैसे तैसे करके फ्लाइट की यात्रा भी मैंने बिना वैक्सीन की कर ली। हाय गाइस, हाय गाइस। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने प्याज, मेरे पौधे सूख चुके हैं। प्याज दिखाती हूँ मैं बैग कैमरे से आपको। तो ये रहे मेरे प्याज के पौधे और ये मेरा आम का पौधा। तो इसमें ना धूल उल सा लगा हुआ है, कोई बात नहीं। और ये जो माला थी ना भगवान जी जो चढ़ाई माला थी ना जो भगवान जी में चढ़ाई होंगी ना, तो सूखने के बाद ये माला मैं इधर रख देती हूँ किसी पौधे में और वो हो जाती है, मतलब खाद का रूप ले लेती है। और ये देखिए यहाँ पर ना दो तीन अंकुर फूटे थे प्याज पे, तो मैंने ये लगा लिए हैं और इनको मैं पानी दे रही हूँ दिन रात। और ये तड़के में ना बहुत अच्छे लगते हैं किसी भी सब्जी में ना, प्याज का दाल में ज़्यादा अच्छा लगता है प्याज का तड़का। तो ये इतना बड़ा हो चुका है और ये खूब अच्छे मतलब एक गुच्छा सा बन रहा है। ये देखिए इसमें भी लगाए हुए हैं, तो इसमें मैंने चार लगाए हुए हैं ये देखिए, और ये भी होने वाले हैं। तो तड़के में बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें मैंने लहसुन लगा रखा है तो लहसुन भी उगने वाला है कुछ दिन में। बाकी सारे इधर के पौधे सूख चुके हैं और हम ना जब उदयपुर गए थे तो तब इनकी हालत ख़राब हो गई थी, तीन चार दिन चार पांच दिन लग गए थे पानी ना दिए हुए। और ये समी का पौधा है आपको पता ही है, और ये पारिजात वृक्ष है, ये करी पत्ता है और ये आँख है जो कि भगवान शंकर जी का प्रिय पौधा है। और उधर आंवला है, तो आंवला भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। तो चलिए बस ये है मेरे पौधे और इनको मैं पानी दूंगी फिर से हरा भरा करूंगी। गाइस हमारी बालकनी में ना बहुत अच्छी धूप आती है और अभी मेरे को वैक्सीन लगी है तो मैंने कपड़े चेंज भी नहीं किए हैं और अभी मैं वेट कर रही हूँ कि कहीं बुखार ना आ जाए। तो धूप में बैठे हैं, बहुत अच्छी धूप आती है यहाँ पे और कम से कम 2 बजे तक रहती है, उसके बाद धूप हट जाती है। तो बाबू के सारी क्लासेस हो गई हैं तो बाबू भी यहाँ पे बैठी हुई है। काना अंदर कलरिंग कर रहा है, काना अंदर कलरिंग कर रहा है और काना की क्लास भी फिनिश हो चुकी है।
एक डेढ़ बजे खत्म हो जाती है उसकी क्लास, लेकिन आज 1:15 बजे खत्म हो गई है। हाँ। तो अभी खाने का देखते हैं क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं, और धूप बहुत अच्छी आ रही है और पार्क जाने का भी मन नहीं कर रहा है, और मैं कभी पार्क जाती भी नहीं हूँ, बच्चे जाते हैं लेकिन अभी नहीं जाएंगे क्योंकि धूप यहाँ पे बहुत अच्छी हो रखी है। काना बाहर दरी ले आओ और यहीं पे बैठो। पहले तो कहा बच्चों ने कि हम नहीं जा रहे मम्मी पार्क, और उसके बाद मुझे भी ले गए जबरदस्ती, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी चली जाती हूँ और थोड़ा बहुत ये जिम करके आ जाती हूँ, लेकिन एक दिन के करने से कुछ नहीं होता है और डेली मैं लापरवाही कर देती हूँ, थोड़ा सा यूट्यूब का भी काम होता है और थोड़ा घर का भी काम हो जाता है, बस इसीलिए नहीं जा पाती हूँ मैं। तो चलिए घर चलते हैं। तो ये खेल खेल के थक चुके हैं, झूला नहीं झूल रहे हो, झूले खाली पड़े हैं इधर, इसको देखना, चलो चलते हैं घर, खाना नहीं खाना, क्यों आएंगे अभी, चलो बेटा चलते हैं। तो गाइस दोपहर का 1 बज चुका है और मैं घर आ गई हूँ, बच्चे अभी पार्क में खेल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं 2:30 बजे तक आप खेल लो और फिर आ जाना। अभी मैं खाने पीने की तैयारी करती हूँ और क्या बनाती हूँ उनके लिए, नहीं तो वो पार्क से आके तुरंत खाना मांगेंगे, हाथ मुँह धो के खाना खिलाऊंगी उनको। तो क्या बनाती हूँ देखती हूँ, मटर पुलाव ही बना रही हूँ, ऑप्शन वही है, सुबह हमने पराठे बनाए थे और अब मटर पुलाव बना रही हूँ मैं। उसके बाद ना मैंने कैमरा नहीं उठाया और शाम के 5 बजे की वीडियो है ये, तो यहाँ पर मैं ठीक ठाक कर देती हूँ, बच्चे इधर के उधर उधर के इधर फैला देते हैं सारी चीज़ें, तो मैं ठीक कर रही हूँ, वो सो रखे हैं, अभी उठाऊँगी उनको और होमवर्क करेंगे अपना, और मैं लगाऊँगी कपड़े धोने के लिए, तो मशीन लगानी है मुझे आज। मैं यहाँ पर वही देख रही हूँ कौन से कपड़े धोने कौन से नहीं धोने, और ये झाड़ू रखा हुआ है बाथरूम में, आप लोग सोचेंगे कि झाड़ू का क्या काम है बाथरूम में, तो मैंने इसलिए रखा है कि सुबह झाड़ू लगाई होगी और थोड़ा सा धो देती हूँ मैं, जो बाहर सीढ़ियों पे झाड़ू लगता है ना तो अंदर लाने में उसको घिन लगती है, बाहर का झाड़ू अलग ही होता है और अंदर का अलग ही होता है, क्योंकि 50 प्रकार के लोग आते रहते हैं ना, तो जो अंदर का झाड़ू होता है ना तो उसको मैं अंदर ही लगाती हूँ, जो बाहर का होता है उसको बाहर लगा के थोड़ा सा धो देती हूँ। कपड़े हो रखे हैं बहुत सारे, मैंने कपड़े भिगाने के लिए गर्म पानी लगा दिया है, क्योंकि आजकल में जो विंटर सीजन के कपड़े होते हैं ना वो थोड़े से अकड़ जाते हैं ठंडे पानी में, ठीक से नहीं धुलते हैं, तो मैंने बाल्टी में पानी लगा दिया है और इस पानी को मैं बहुत ज़्यादा गर्म कर दूंगी और उसके बाद फिर मशीन में डाल दूंगी और सर्फ एक्सल डाल दूंगी, उसके बाद थोड़ा देर उनको भिगा के रख दूंगी, और गर्म कपड़ों से वैसे भी बहुत जल्दी मैल छूट जाता है ना गर्म पानी में आजकल, और ठंडे पानी से बिल्कुल भी मैल नहीं निकलता है, तो मैं गर्म पानी लगा देती हूँ और फिर मशीन में डाल देती हूँ, भिगा देती हूँ, और अच्छे से बच्चों के कपड़ों से जो धूल धाल होती है ना वो निकल आती है, नहीं तो इनके कपड़े इतने मैले होते। यहाँ पर हो चुका है पानी गर्म और अभी मैं डाल देती हूँ और 1 बाल्टी लगाती हूँ छोटी बाल्टी से, इसमें भी काफ़ी पानी आता है ये देखिए, और अब मैं इसमें बाकी का पानी ठंडा भरूंगी। अभी बहुत गर्म है। तो जैसे ही मैं मशीन लगाने के लिए स्विच ऑन किया तो वो चली ही नहीं मशीन, और अब बाहर की तरफ मुझे लगानी पड़ेगी, तो ये ना जो स्विच है वो ख़राब हो गई है और इसमें रॉड रॉड लगाते हैं हम तो ख़राब हो गई है, गीजर यहाँ पे है नहीं तो ये बाहर लगा दी है मैंने और मशीन चला दी है, एक दो बार घुमाने के बाद ना अच्छे से सर्फ गल जाएगा और उसके बाद मैं कपड़े डाल दूँगी इसमें, और बढ़िया से ये देखिए डाल दिया है मैंने कपड़े इसमें एक दो बार घुमाने के बाद, तो धुल रहे हैं कपड़े आराम से और फिर बहुत जल्दी इनमें से मैल निकल आता है बढ़िया से, और काना के तो इतने गंदे होते हैं ना कि मैं क्या बताऊं। तो गाइज बस आज की वीडियो यहीं तक थी और मैं इस वीडियो को अब एंड कर देती हूँ, वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, कल मिलते हैं एक और अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।